अच्छे क्वालिटी और बेहद कम बजट में अब कुरकुरे, चिप्स, नमकीन और पास्ता का मशीन लगाएं और महीने का लाखों कमाएं। संपर्क करें रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन, नोएडा, सेक्टर 10, A35। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। चुनाव होना है और बड़ी तैयारी है देश में, लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। देखिए, आज देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब लोग को एक करने का इन्होंने प्रयास भी किया है, और देश में जो समाजवादियों का जमात है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तौर है, तरीका है, जब वो भारत सरकार में मंत्री थे, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार लगभग 18 साल हो गया, तो उनका जो काम करने का तरीका है उससे हमें लगता है कि इनको मौका भी मिल सकता है। अगर विपक्ष एक हुआ, इन्होंने जो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। आप नालंदा से एमपी हैं, उन्होंने आपको मौका दिया, आप चाहेंगे कि वो भी चुनाव लड़े? एकदम, अरे हमारे नेता हैं वो, कुछ हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता आगे बढ़े। नालंदा से चुनाव लड़े आप चाहेंगे? एकदम चाहेंगे भाई। आप सीट कुर्बान करेंगे? कुर्बानी क्या देना है, हम 3-3 बार एमपी बने हैं, कुर्बानी थोड़े दे रहे हैं। नेता हमारे हैं, वो आगे बढ़ेंगे तब ना हम पीछे से आगे बढ़ेंगे। आप चाहेंगे, आग्रह करेंगे उनसे जाकर? एकदम जरूर। चर्चा ये भी है कि वहाँ से बीजेपी आरसीपी सिंह को लड़ा सकती है, अब इस पर तो लोग जान। लेकिन नीतीश कुमार अगर नालंदा लड़ेंगे तो क्या फायदा होगा? उम्मीद है जीत होगी बड़ी। अरे ऐसे भी बिहार में बीजेपी का खाता कहाँ खुलने जा रहा है, और नालंदा में तो उनका घर है, क्या सोचना है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 2005 से नीतीश कुमार चुनाव में लड़ रहे हैं, अब जहाँ भी अभी खड़ा होंगे तो हार जाएंगे, नीतीश कुमार हार जाएंगे। देखिए, उनका बोलना अलग बात है, उनको पता नहीं है कि बिहार में जब चुनाव महागठबंधन का हवा चलेगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में गलती से भी खाता खुलने वाला बीजेपी का। अगर नीतीश कुमार नालंदा लड़ते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कहेंगे, तो क्या माहौल होगा, क्या लगता है क्या होगा? वहाँ का माहौल बढ़िया रहेगा, एक तरफा चुनाव होगा, क्या सोचना, क्या सोचना है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर से मिट्टी पे मिला देंगे, कल्याण बिहार भेज देंगे। देखिए, अब उनका बोलना अलग चीज़ है, उनको जितना बुद्धि है वो बोलते हैं, लेकिन कोई भी नेता हो, नेता को आदर करना सीखना चाहिए, उनको जो व्यवहार है उन कुशल रखना चाहिए। नेता का ऐसा थोड़े है कि किसी को मौरी पहना देने से कोई दुल्हा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपना मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप बिहार का नेता नहीं हो सकते। उनका बोलना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे नेता के जो आदर है और जो बोलने का तरीका है, आज तक किसी आदमी से वैसा नहीं बोलता जैसा सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं, वैसे नेता पर कोई उम्मीद नहीं है। फिर से वही सवाल, पर्सनली चाहेंगे कि नीतीश कुमार नालंदा से लड़े? अरे भाई, आप ऐसा बात क्यों पूछ रहे हैं, हमारे नेता हैं वो, हम चाहेंगे कि आगे बढ़े देश में, आगे क्यों नहीं चाहेगा। पहले भी वहाँ जीते रहे हैं? हाँ, पहले भी जीते हैं, हमको टिकट वो दे रहे हैं, तीन बार से मैं जीत रहा हूँ और काफ़ी वोट से जीतता हूँ। जरूर जरूर जरूर, हाँ एकदम जरूर कहें।